गुड मॉर्निंग फैमिली, और अब टाइम हो रहा है 8:30 बज चुके हैं। ये देखिए इधर पंचज है, इधर पंचज ट्रैक्टर चला रहा है, और ये दोनों और बड़े पापा, पंचज के ताऊ जी, बड़े पापा और पापा और पंचज और पंचज, ये सब जाएंगे खेत में। और चलिए हम कर लेते हैं अपने काम को कम, नहीं तो बार बार ऊपर नीचे या फिर फोन लेके बैठता। ब्रेकफास्ट करा दिया है पंचज को, मैं बोला था कि एप्पल वगैरह रख लेना, अगर भूख वूख लगे तो खा लेगा, पता नहीं रखा है या नहीं रखा है। चलिए लेके जा रहे हैं, तो केयर भी करेंगे और जा रहे हैं। सब ने मशीन लगा रखी है, गाड़ी लगती भी है, बस पोछा लगाना बाकी है। और क्या, और कर लेते हैं अपने काम को कंप्लीट। कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? अब देखिए प्रिंसेस जो है अपने खेत में आ गया है, दिखाओ सबको। ये देखो ट्रैक्टर में बैठा है और अब लेता है आज की गोली। देखिए हमारे एक गोली अपने सड़क पर छोड़ दी, हम खाद उतारेंगे अपने खेत में, है ना? खाद उतारोगे ना आप भी तो काम करोगे। हाँ इधर देखो, यस फ्रेंड्स भी काम करेगा आज, है ना? हाँ आपके लिए होस्टिंग कर रहा है। देखिए प्रिंसु भी होस्टिंग करना सीख गया है। बताओ दोस्तों को, सबको बताओ क्या कर रहे हो। गाँव घास कर रहे हो? हाँ। सभी दोस्तों को बताओ। एक के दोस्त हम गाँव घास कर रहे हैं, हम मिट्टी भी डालेंगे गाँव के ऊपर। हाथों पापा, हाथों आ जाओ, आ जाओ। अब परंतु भी होस्टिंग करने लगा है, और ये बड़ी अच्छी बात है, धीरे धीरे बच्चा छोटा सीख रहा है। ये देखो खेत में उतरते ही परंतु ने शैतानी शुरू कर दी और मिट्टी उड़ा रहा है, धूल उड़ा रहा है। ये देखो, इसी को बचपन कहते हैं। हम लोग तो मिट्टी में खेले थे, लेकिन आजकल के बच्चों को मिट्टी में खेलना कहाँ मिल पाता है। सभी के घरों में पत्थर मार मारा जाए, धूल आँख में घुस जाएगी। सभी घरों में पक्का हो गया लगभग। क्या कर रहे हो? है क्या कर रहा है? केडियम? हाँ। क्या हो केडियम? ओ, बड़ू लगा। क्या इसमें क्या है? वहां मत चढ़ो, इधर आओ, इधर खड़े हो, इधर आओ, इधर वहां में जाते आओ। देखिए हमने खाद की एक ट्रोली तो खाली कर दी और पसीनों से लथपथ हो गए हम भी। देखिए अब दूसरी ट्रोल लेने के लिए गए हैं। क्या खा रहे हो? क्या है ये? ये कौन लाया? मैं पापा। पापा एक मिठू दीदी के लिए, एक विशु दीदी के लिए और एक आपके लिए। अब मनीष भैया किधर चला गया? गिराओ मत प्रंचु, ऐसे गिर गए क्या? गिर गए?
पंचू के पापा जब पंचायत भैया को छोड़, तब पंचू के पापा पंचू के बच्चों के बीचू के लिए पॉपकॉर्न लेके आए हैं। दिखाओ तो जरा। कोकोस नहीं, पॉपकॉर्न। गाड़ी दिखा रहे हो क्या आप? नीचे बैठो। पंचू का गाड़ी का बहुत शौक है। देखो ये गाड़ी पंचू जिस दिन लाया था उस दिन भी आप सबको दिखाई थी पंचू ने गाड़ी। पंचू लेट गया, लेट के नहीं खाते पंचू, बैठ के खाओ भाई। पंचू बोल रहा है लेट के धसका नहीं लगता, और धसका लग जाता है, गले में टक जाती है। जो लेट के खाते हैं तो गले में टक जाता है। पंचू ये क्या हो गया आपके मुंह पे? ये क्या हो गया? ये मच्छर ने काट लिया? आज आप किधर गए थे? खेत में। तो खेत में काट लिया मच्छर ने आपके? आपने चलाया था ट्रैक्टर? आपने ट्रैक्टर चलाया था? पंचू ने ट्रैक्टर चलाया था? अच्छा, किसने चलवाया था? भैया ने। अच्छा भैया ने। क्या पंचू सही बोल रहा है? हाँ प्रंजु सही कह रहा है, प्रंजु ने ट्रैक्टर ड्राइव करा था। अच्छा अच्छा लगा था ना? हाँ प्रंजु को अच्छा लगा था। चलाना आता है करना भी आवे। चलाना आता है ना आपको ट्रैक्टर? हाँ मुझे मन करना भी आवे। वाओ पंचु से बाइक चलानी भी आती है और स्कूटी चलानी भी आती है। ट्रैक्टर भी चलाना आता है, गाड़ी भी चलानी है। सब चलाना आता है पंचु को, सब चलाना आता है। वंशज भैया का साथ रहा तो पंचु वंशज भैया से भी जल्दी ट्रैक्टर बाइक सारी चीजें चलाना सीख लेगा। वंशज को किसी ने नहीं सिखाया थी ये सारी चीजें, वंशज ने अपने आप सीख ली थी। और प्रंच के सर पे वंश का हाथ है, प्रंच तो और जल्दी सीख लेगा सारी चीजें। चलो ठीक है, गुड नाइट बोलो, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।